1970 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसे कॉनवेज गेम ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। गेम ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शुरुआत में आपको कुछ शर्तें डालने होते हैं और एक बार प्रारंभिक शर्तें डालने के बाद सिमुलेशन के नियमों का छोटा सा सेट चलने लगता है जिसमें कुछ पैटर्न बस थोड़े समय तक चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गेम की भाषा में कहें तो मर जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पैटर्न हमेशा के लिए चलते रहते हैं। दोस्तों, आज जो भी गेम आप खेलते हैं वो इसी कंप्यूटर सिमुलेशन के सिद्धांत पर बना है। ऐसे गेम जिसे हम अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या इस गेम की ही तरह कोई कंप्यूटर सिमुलेशन बहुत बड़ा परिणाम नहीं दे सकता? एक ऐसा सिमुलेशन जो पूरे ब्रह्मांड के आकार का हो, जो स्क्रीन पर केवल डॉट्स और पैटर्न ना हो बल्कि आकाश गंगाओं, ग्रहों और जीवन के साथ एक सिमुलेशन हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि कहीं हम ऐसे ही किसी सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे, या यूं कहें जिस दुनिया में हम रह रहे हैं क्या वह असली है? आधुनिक युग में ऐसे बहुत से साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो यह साबित करते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और हम सब बायोलॉजिकल वस्तु नहीं बल्कि एक सिमुलेटेड प्रोग्राम है। ऐसे ही थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा विख्यात सिमुलेशन आर्गुमेंट है जिसे 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉन ने रखा था। उनके प्रस्ताव के अनुसार मानव जाति एक अधिक उन्नत सभ्यता के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग भी सिमुलेशन थ्योरी को सच मानते थे। अगर इतिहास में देखें तो ग्रीक फिलोसोफर सुक्रात का भी मानना था कि यह दुनिया असल दुनिया नहीं। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है जिसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक माया है। तो क्या वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? चलिए इसे और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप किसी वस्तु को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? आप जरूर उन्हें देखकर, छूकर या फिर अपने किसी भी सेंसेस का उपयोग करके ऑब्जर्व करते हैं। यह आपका सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्ति परक वास्तविकता है जिसमें सब्जेक्ट आप ही हैं जो किसी वस्तु या चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुगत वास्तविकता वह वस्तु है जिसे आप ऑब्जर्व यानी निरीक्षण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं घर के बाहर जाता हूँ और महसूस करता हूँ कि बाहर ठंड है और आप बाहर जाते हैं और महसूस करते हैं कि बाहर गर्मी है, यहाँ सब्जेक्टिव रियलिटी यानी व्यक्तिपरक वास्तविकता यह है कि दो अलग अलग दिमाग, दो अलग अलग लोग एक ही वस्तु को कई तरीकों से देख सकते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुगत वास्तविकता यह है कि बाहर या तो ठंडा होगा या गर्मी। हम दोनों को ही अपने अपने ऑब्जर्वेशन को साबित करने के लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जर्व किए बिना ही ऑब्जर्व करना होगा, जो कि एक स्पष्ट विरोधाभास है। ठीक इसी प्रकार, क्या कोई वस्तु तब भी मौजूद होती है जब आप उन्हें देख नहीं रहे हों? उदाहरण के लिए, आप अपने कंप्यूटर या फोन या फिर जिस डिवाइस पर भी यह वीडियो देख रहे हैं, वह डिवाइस आप जानते ही हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम्स यानी परमाणुओं से बना है, लेकिन आप वास्तव में उन एटम्स को नहीं देख सकते तब तक नहीं जब तक कि आप इसके ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप उपकरण नहीं लेते। आपने गेम में देखा ही होगा, कुछ चीजें हमें तभी दिखती हैं जब वास्तव में उन्हें देखते हैं। तो क्या यह सच नहीं हो सकता कि हम इंसानों को भी कोई वस्तु तभी दिखती है जब हम वास्तव में उसे देख या छू रहे हो? इस बात को थॉमस योंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साबित भी किया है। दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु या चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे दिमाग को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है जिसके आधार पर दिमाग हमें उस वस्तु का एहसास कराता है। एक निश्चित तरीके से दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए आपका दिमाग आपके सेंसेस यानी इंद्रियों का उपयोग करता है।
हमारे दिमाग के पास इतनी क्षमता है कि यह हमें वास्तविकता को किसी भी प्रकार से दिखा सकता है। जैसे कि आपके सपने, जब आप सपना देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ वास्तव में है। आपको असल वास्तविकता के बारे में तभी पता चलता है जब आप जागते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसी वस्तु के होने या ना होने पर सवाल उठा सकता है। अब चलिए कुछ ऐसे सिद्धांतों को जानते हैं जो सिमुलेशन थ्योरी को सच साबित करते हैं। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार, जब हम ब्रह्मांड में दूर दूर तक देखते हैं, तो हमें जीवन के कोई भी अन्य लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते? क्या हम ब्रह्मांड में वास्तव में अकेले हैं, या हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो इतनी विकसित हो कि वो हमें खोज सके और हम तक पहुंच सके? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी जीवन के लिए इतना उत्तम स्थान क्यों है? एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि पृथ्वी पर सब कुछ इतना सटीक क्यों है, चाहे सूर्य से इसकी दूरी की बात करें, या यहाँ के वातावरण की, या फिर ग्रेविटी की। क्या इन्हें ऐसा बनाया गया है? स्ट्रिंग थ्योरी से बिग बैंग के पहले के समय को समझाना आसान हो जाता है, और इसके अध्ययन से पता चला है कि ब्रह्मांड में कंप्यूटर कोड्स मौजूद हैं, जिससे यह लगभग साबित होता है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन चाहे कितनी भी परफेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। जैसे कि डेजा वू, यानी कि ऐसी स्थिति जब आपको कोई स्थान या व्यक्ति जाना पहचाना लगता हो, जबकि आप उस स्थान पर पहले कभी नहीं गए और उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। दूसरा उदाहरण है सुपर नेचुरल वस्तुएं या हमारे सपने। सुपर नेचुरल वस्तुएं जैसे भूत, प्रेत या आत्माएं, जो कि सिमुलेशन के प्रोग्राम में किसी खराबी या बग के कारण दिख सकता है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार भगवान एक प्रोग्रामर हो सकता है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी साथ ही यह भी कहता है कि भगवान ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि भगवान या फिर प्रोग्रामर यह देखना चाहता हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सिमुलेशन में जीवन के अस्तित्व का पता चल जाता है, भगवान यानी प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम से डिलीट कर देता है। उदाहरण के लिए, वे सभी ऋषि मुनि जो तपस्या करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं, या फिर वे सभी वैज्ञानिक और लोग जिनका रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाता है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार अगर हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो यह भी हो सकता है कि जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई, हो सकता है उनकी दुनिया भी सिमुलेटेड हो, और यह क्रम कहाँ तक है यह कह पाना संभव नहीं। दोस्तों, मानव जाति अब तक इतना सक्षम हो गया है कि वह किसी भी प्रकार का सिमुलेशन कंप्यूटर कोड्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस की सहायता से बना सकता है, और इन सिमुलेशंस में मौजूद सभी प्रकार के जीवों को भी। लेकिन हम इन जीवों में ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कि वे खुद सोचने समझने की क्षमता रखता हो। विज्ञान में हर एक थ्योरी को साबित करने के लिए उसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखना होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को नंबर्स और इक्वेशंस से ही समझा जा सकता है। दोस्तों, आधुनिक युग में ऐसे बहुत से साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो यह साबित करते हैं कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, लेकिन अब तक ऐसी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जो इसे मैथमेटिकली साबित कर सके। जिस प्रकार यह कहना कठिन है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह भी कह पाना कठिन है कि यह ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। दोस्तों, अगर किसी दिन किसी वैज्ञानिक ने सिमुलेशन थ्योरी को मैथमेटिकल इक्वेशंस द्वारा साबित कर पाया, तो हमारा जीवन का यह खेल वह खेल होगा जिसे हम जीत सकते हैं। अगर आपको सिमुलेशन थ्योरी के बारे में और भी जानना है, तो आप इस वीडियो के रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सिमुलेशन थ्योरी पर आधारित फिल्में जैसे कि द मैट्रिक्स, द 13th फ्लोर और द इंसेप्शन जरूर देखें।